बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। थर्मोडायनामिक्स का एक रूल है कि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। मिसाल के तौर पर यह मेरे पास एक चाय का कप है जो अभी गर्म है। अगर मैं 10-15 मिनट छोड़ दूंगा तो कुछ देर के बाद इसकी जो हीट कन्वेक्टिव हीट के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगी बाहर और यह कुछ ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली हम सेम ये मॉडल करते हैं पाइथन में। हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल लैब है, उसका मैं हीटर करूँगा ऑन। जैसे ही हीटर ऑन करूँगा तो ये हीटर होगा गर्म। फिर गर्म होने के बाद वो जो अपनी हीट होगी वो हीट कन्वर्टर के थ्रू वो भेजेगा सराउंडिंग में। तो उसको हम मॉडल करेंगे इस बेसिक इक्वेशन के, जो कन्वर्टर के इक्वेशन की है। मिसाल के तौर पर जो भी एनर्जी बैलेंस की, ये हमारा बेसिक मॉडल है, ये बेसिक इक्वेशन। अगर इसको आप समझें ना तो टोटल हीट जो एंथैल्पी है ना, ये वो इक्वल होगी हमारी कितनी हीट सिस्टम में इन हुई, कितनी सिस्टम के बाहर गई, प्लस जो हीटर के थ्रू, ये असल में क्यू जाहिर करती है हीटर को, जो हीटर के थ्रू जनरेट हुई। अब थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन में नहीं जाते हम, बस ये देखते हैं कि ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी, जो टोटल हीट जो भी है एंथैल्पी की, वो इक्वल है इस इक्वेशन के एमसीपी डेल्टा टी, और वही इक्वेशन बराबर है इसकी टोटल हीट इन टोटल हीट आउट यू ए टी ए माइनस टी नाट के, और प्लस ये जो हीटर चलाया हमने। अब इसमें जो कुछ डेटा हमारे पास है इस बेसिक मॉडल में, जिसमें है फॉर इंस्टेंस हमारे पास यू है बेसिकली, और उसकी वैल्यू है तकरीबन 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और ए जाहिर करता है रिलेशनशिप बिटवीन हीटर एंड पावर आउटपुट की। जैसा हम फैन चलाते हैं बेसिकली, उसमें रेगुलेटर होता है, तो उसकी हम पावर ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो सेम एसी जो है उससे भी हम 16 सेंटीग्रेड पे भी चला सकते हैं, तो 28 सेंटीग्रेड में भी, तो ऐसे हीटर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और उसको जो रिलेशनशिप है पावर की और हीटर की, उसे हम कहते हैं ए। उसकी वैल्यू भी है हमारे पास तकरीबन 0.01। और उसके अलावा हमारे पास एम्बिएंट जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एज्यूम कीजिए कि वो है 23, और मास है हमारे पास 0.04, और एरिया है 0.012 मीटर स्क्वायर। सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है 500, और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। 5 मिनट तक चलना है हीटर। तो सबसे पहले हम पाइथन खोलते हैं और हीटर को ऑन करते हैं। आईडीएली लेके पाइथन खोला, फिर कंट्रोल एन से न्यू फाइल खोली, और कुछ लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि पाइप्लॉट ELT, और भी जैसे कि हम साइपी बेसिकली वो भी कराएंगे, इंटीग्रेट इंपोर्ट ऑडियंट, और उसके बाद हम अपनी टेम्परेचर कंट्रोल लैब, तो हमारे पास हार्डवेयर तो है नहीं, तो हम बेसिकली अपना एक टीसी लैब सिमुलेटेड मॉडल ऑन करते हैं। और उसके बाद इंपोर्ट टाइम करते हैं और रन करके देखते हैं कि ये सारी लाइब्रेरी सही इंस्टॉल की है हमने। सिंटैक्स एरर, आई थिंक सारी सही होनी चाहिए, जस्ट वेट। ओके, सही है सारी। अब जो हमारा इशू है वो है बेसिकली, मैं हीटर को ऑन करूं 300 मीन्स 5 मिनट तक, ये है नंबर ऑफ सेकंड मेरे टाइम पॉइंट जो भी हैं, और टाइम जो मैं लिन स्पेस
माना 300 सेकंड तक हो और हर इंक्रीमेंट ऐड हो हर सेकंड के बाद, माना पहले एक फिर दूसरा, ये टाइम वैल्यूज मेरी आ गई। अच्छा अब पहले तो मैं करता हूँ हीटर को ऑन। हीटर को ऑन करने का तरीका क्या है, मेरे पास है सिमुलेशन लैब, तो मैं पहले टेम्परेचर जो टेम्परेचर का फर्स्ट सेंसर है उसका T1 उसको ऑन करता हूँ पहले, फिर ओके ये ऑन हो गया। फिर मैं जो पहला हीटर है ना, मेरा दो हीटर है ना मेरे पास, तो मैं Q1 माना पहला हीटर ऑन करता हूँ और उसे 50% पे ऑन करता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन है 50% पे एडजस्ट करें आप। और फिर ये तो मेरा हो गया ऑन, स्लीप करा दूँ 1 सेकंड के बाद चले या डायरेक्टली में। और ये लेब है मेरी लेब T1। ओके तो इसको थोड़ा सा हम पेरेंट लेब T1 और उसकी वैल्यू मैं अपेंड कराता हूँ। T1 की जो भी वैल्यू आए वो आए लेब T1 में। ओके इसमें और लेब को क्लोज कर देता। अच्छा ये तो अब हीटर हो गया मेरा ऑन। अच्छा यहाँ पे दे रहा है एरर, Q1 = 5 एरर दे रहा है, सॉरी 50 था ना, Q1 = 50। और इसमें डॉट देना है मुझे। ओके अभी ये हो गया रन, क्लिक कर दिया। ओके नाउ अब है सिमुलेशन, मुझे सिमुलेशन करना है बेसिकली इस इक्वेशन के थ्रू। ये तो अब मेरा हीटर चल गया, हीटर को मैंने ऑन कर दिया और मुझे वैल्यू दे रहा है, अब वो उसको मैं सिमुलेट करूँगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू। तो बेसिकली मैं पहले एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, कोई भी उसका नाम दे दूँ, जैसे लेबॉरेटरी सिमुलेशन मैंने दे दिया, और मुझे फाइंड करना है इसमें जो है बेसिकली TC। ओके ये टेम्परेचर, और उसके अलावा मुझे कुछ है मेरे पास, जैसा कि इंटरनल एनर्जी है मेरे पास आई थिंक 10 इंटरनल एनर्जी, और जो यू है यहाँ पे। ओके इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, और हमारे पास यू है यहाँ पे 10। ओके इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, यू है 10, एरिया है 0.0012, सीपी है 500, एरिया है 0.012, सीपी है 500, और जो भी कांस्टेंट है हम लिख लेते हैं CP, उसके बाद M है 0.004, और अल्फा है हमारे पास जो A है ना वो, अल्फा बेसिकली हम कहते हैं इस A को, वो है तकरीबन 0.01। अब एम्बिएंट टेम्परेचर है हमारा 23। ओके TA भी डिफाइन हो गया सारी थिंग। अब हम बेसिकली डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, और उसके लिए हम करेंगे TT किस माना कोई भी, अब ये सारी कंडीशन तो डिफाइन है ना, तो मैं सिंपली कोई भी वेरिएबल देख के
फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना एमसीपी, तो इसका लिखने का तरीका ये है कि ये एमसीपी बेसिकली हो रहे हैं डिवाइड, तो मैं लिखूंगा यू मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई टी, यू मल्टीप्लाई टी ए माइनस टी सी, यू ए टी ए माइनस टी सी प्लस अल्फा मल्टीप्लाई इसके साथ है क्यू, जो है हमारा 50% पे। इन सबको मैं डिवाइड करूँगा, एक तो है मास से डिवाइड होगा और दूसरा होगा सीपी से, और रिटर्न में मुझे मिले डी, जो भी मेरी मैंने वेरिएबल दिया है उसमें, आप ये गलती ना करना, टी सी डी टी। ओके, होपफुली ये हमने सही लिखा हो, रन करके देखते हैं। ओके, एरर दे रहा है। आई थिंक नाउ ये सही होगा, इसको तो किल कर दें आप। ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं सॉल्व करता हूँ ODM के थ्रू, टेम्परेचर सिमुलेशन ODM। ODM में पहले तो मैं अपना लिखूँगा फंक्शन, फिर जो कंडीशन है जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो गेज है या ट्राइन, और अब हम बनाते हैं प्लाट, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए। एक हमारे पास पहले तो एक फिगर में कर दूँ, पहले तो हमारे पास होगी वो जो मैंने सिमुलेशन से लिया, उसका कलर मैं कर दूँ ब्लू फॉर इंस्टेंस, लेबल कर देता हूँ सिमुलेशन। दूसरा मैं करता हूँ अपनी जो हीटर से मैंने वैल्यू दी है टाइम के हिसाब से, वो होगा T1, T1 ही मैंने डिफाइन किया है ना, ये T1 इसके हिसाब से, और इसका मैं कलर देता हूँ जो भी मैं दे दूँ, ब्लैक दे देता हूँ फॉर इंस्टेंस, लेबल बराबर है मायर्ड। वाई लेबल पे आए टेम्परेचर और एक्स, ओके एक्स लेबल पे मेरा आए ट्राइन, और मैं कर दूं लेजेंड भी, और देखूं मेरे तो आई ये डेटा एरर दे रहा है। ओके, टी सिम इज इक्वल टू ओ टी एंट, ये है एरर मेरा। अब सिमुलेट करते हैं F5 से, होपफुली ये ब्लू लाइन है सिमुलेशन की जो कन्वेक्शन के थ्रू किया, और नीचे है ब्लैक लाइन मैयर्ड की। थैंक्स।